है क्या? मैं तो देख के चल रहा हूँ, आप भी तो देख के चल सकते हो ना। अबे लंगड़े पूरे कपड़े गंदे कर दिए, उसमें मेरी क्या गलती है? भगवान ने कोई ऐसा बनाया तो। आपको बाहर जाने का कोई अधिकार नहीं है, आप एक लड़की हो। जिसने मुझे अभिनंदन करने लायक बनाया, उस अनुभूति का भी आज अभिनंदन है। मुझे तो डॉक्टर बनकर इस देश की सेवा करनी है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने। अनुभूति विजन सेवा संस्थान एक पहली संस्था है कि जहाँ पर बहु दिव्यांग बच्चा अगर है तो उसका पूरा उसको शिक्षण प्रशिक्षण के साथ पे उसको यहाँ पर पूरी सुविधाएं समय के अनुसार उनको देकर उनको हम आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 2009 में एक बच्चे से इसको शुरू किया गया था, आज वर्तमान में यहाँ पर करीब 72 बच्चे जो हैं यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण ले रहे हैं। कलर की पहचान कराना, गेम के माध्यम से इनको मैं बिजी रखती हूँ ताकि थोड़ी देर एक जगह स्थिर होकर थोड़ी देर बैठ पाए, इनकी सीटिंग हो सके। और कुछ बच्चे जो ऑर्डर फॉलो करते हैं उनको मैं जैसे कि डेली यूज की चीज़ें जैसे कि शब्द याद करवाना, कलरों की पहचान करवाना। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बात सुनते नहीं या हाइपर होते हैं तो उनको म्यूजिक के माध्यम से उनका ध्यान थोड़ा हटाकर थोड़ी देर एक्टिविटी करवाती हूँ ताकि बच्चे बिजी रहे और मुझे सुनते हैं तो थोड़ा उन्हें अच्छा लगता है। सारे नियम लागू होते हैं जो एक सामान्य बच्चों के लिए स्कूल्स में या छात्रावास में होते हैं। इनका भी एक निर्धारित समय है कि नहीं, सुबह जैसे उठना है, फिर नाश्ता करना है, फिर भगवान का नाम भी लेना है, पूजा पाठ भी करना है, 10 बजे तैयार होकर स्कूल के लिए भी प्रॉपर बैग यूनिफॉर्म पूरा सब कुछ इनका लेकर ये अपने स्कूल टाइम में पूरे अपनी क्लास में जाते हैं। ये जो देख नहीं पाते हैं, टोटल 100% लॉस है विजन, और जिनको थोड़ा बहुत दिखता है मैं सबको ही ब्रेल सिखाता हूँ और सबको ही पढ़ाता हूँ। मैथ्स, अबेकस और हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, लगभग सभी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। सभी लोग ABCD बोलेंगे, अल्फ़ाबेट साइन लैंग्वेज में, ABC आम का आम, इमली दिन्दी, पी ओ जे ए पूजा। इनके लिए शांत वातावरण चाहिए होता है, इनको फ्लैश कार्ड लिखित पर्ची के माध्यम से इनको पढ़ाया जाता है। ये बच्चा 8वीं में है, ये 9th में है, उसकी 10th की एग्ज़ाम है, ये अभी 8th में है, इसी तरह से इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। कुछ ऐसे भी हम विधाएं सिखाते हैं कि जो इनके लिए इन फ्यूचर भविष्य के लिए जो इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए अग्रसित करें इनके लिए। अनुभूति विजन सेवा संस्था में हम लोग एक आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास भी चलाते हैं, जैसे जिन बच्चों की रुचि रहती है क्राफ्ट में तो हम लोग उनको और निखारने की कोशिश करते हैं। जैसे फूल बनाते हैं तो
फूलों के हम लोग बुके बनवाते हैं उन लोगों से, और फिर एग्जीबिशंस लगवाते हैं इन लोगों के लिए, ताकि बच्चे और कुछ अच्छा बना पाएँ, और बनाने के बाद वो लोग सेल करते हैं, तो सेल से जो अर्निंग आती है वो इन्हीं बच्चों के यूज़ में, जैसे पढ़ाई में या इनके रोज़मर्रा के जो काम रहते हैं, पैसा लगता है वो इन्हीं के उसमें फिर पैसा लग जाता है। हमारी अचीवमेंट से है अनुभूति के लिए कि आज बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई किसी ना किसी स्किल में, किसी ना किसी कला में वो निपुण होते जा रहे हैं। यहाँ पर जैसे दैनिक दिनचर्या चलती है इनकी, सुबह चाय या दूध से, बिस्किट से, फिर इनका 8 बजे नाश्ता होता है, और फिर 1 बजे लंच होता है, उसमें दाल चावल रोटी सब्जी, और कभी बाहर का भोजन लेते हैं तो उसमें स्वीट और सलाद वगैरह रखते हैं। फिर शाम को 4 बजे एक बार फिर नाश्ता देते हैं, उसमें हल्का फुल्का देते हैं हम लोग। फिर शाम का जो भोजन रहता है वो 7 बजे का रहता है। जैसे ये बच्चे 5:30 बजे उठ जाते हैं, तो इनको एक तो क्या होता है कि जो ब्लाइंड बच्चे वो भी कर लेते हैं, डेफडम बच्चों में भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन जो ये मल्टी चैलेंजिंग बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे, इनको डेली लिविंग थिंग्स सिखानी पड़ती है, जैसे रोज़ ब्रश करना, रोज़ उठना है, रोज़ वॉशरूम जाना है, आपको पानी पीना है, क्योंकि ये पानी भी पीना भूल जाते हैं, तो इनको 1-1 घंटे में जैसे पानी पिलवाना, बाथरूम जाना, ये चीज़ें करवानी पड़ती है। जैसे कपड़े इनको पहनना है तो मैचिंग इनको समझ में नहीं आती है, फिर इनकी भी इच्छा होती है खेलने कूदने की, तो ये 8:30 से 9 बजे तक थोड़ा सा खेल कूद करते हैं, 10 बजे से इनकी क्लासेस लग जाती है। हमारा करीब करीब महीने का 3 से 4 लाख रुपए महीने का खर्चा है, और वो सब दानदाताओं की कृपा से ही पूर्ण हो रहा है। हमें गवर्नमेंट से अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला है, हमने कोशिश जरूर करी है, और वर्तमान में भी हमारी एप्लीकेशन सामाजिक न्याय विभाग दिल्ली में पेंडिंग है। ये इतना सरल नहीं है कि ऐसे ही आगे आ जाएं, क्योंकि इनको भी समय के अनुसार वो सारी फैसिलिटी की ज़रूरत है कि जो एक सामान्य इंसान के लिए होती है। आज उदाहरण के लिए अगर कोई बच्चे सिंगिंग में है या ड्राइंग में है या एजुकेशन में है, तो इनको आगे कैसे लेकर आएं, उसके लिए हमें ज़रूरत होती है आर्थिक रूप से पैसा चाहिए। आज छोटी मोटी ज़रूरतें तो हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन अब ज़रूरतें इनके आगे बढ़ रही हैं, ये बड़े हो रहे हैं, इनको आगे इनका लेवल और बढ़ाना है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए आज हम इतने सक्षम नहीं हैं। पब्लिक सपोर्ट से प्लस फॉरेन डोनेशन के वजह से हमने संस्था के लिए ग्राम मायाखेड़ी में करीब करीब 7,500 स्क्वेयर फीट ज़मीन खरीदी है, क्योंकि वर्तमान में हम संस्था जो चला रहे हैं वो किराए के भवन में है। ज़मीन तो हमने खरीद ली है, लेकिन भवन बनाने के लिए वर्तमान में हमारे पास में धन उपलब्ध नहीं है। मेरा नाम रेणुका कुशवाहा है और मैं BA सेकेंड ईयर में हूँ। मुझे यहाँ पर 10 साल हो गए हैं, और मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है, जो भी मैंने सीखा है सब कुछ यहीं आकर सीखा है। रेणुका जब आई थी बिल्कुल प्लेन पेपर था, लेकिन आज वो BA सेकेंड ईयर में पहुँच गई है, और कंप्यूटर में DSC वगैरह उसने डिप्लोमा पूरा कर लिया है, और उसके बाकी के कार्य वो मुझे संस्था में हेल्प करती है, और साथ में जो उसके पास जो टाइम होता है कॉलेज से आकर, वो अपने छोटे भाई बहनों को, छोटे बच्चों को पढ़ाती है।
आगे जाके मेरा सपना है और मैम का सपना है कि आईएएस ऑफिसर बनने का। और इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हमें धन की आवश्यकता है। जमीन तो हमने खरीद ली है, लेकिन भवन बनाने के लिए वर्तमान में हमारे पास में धन उपलब्ध नहीं है। हमारा करीब 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो 4 मंजिला भवन बनेगा। इसमें स्कूल रहेगा, हॉस्टल रहेगा, डाइनिंग हॉल रहेगा और बच्चों के खेल कूद की व्यवस्था रहेगी। इनके लिए हम एक वोकेशनल कोर्स शुरू करना चाहते हैं, फिजियोथेरापी सेंटर शुरू करना चाहते हैं, इनके लिए बेटर एजुकेशन देना चाहते हैं, इनको खेलकूद में भेजना चाहते हैं। लेकिन ये सब सभी संभव होगा जब हम इनको हमारी संस्था में, हमारे खुद के भवन में चले जाएंगे और वहाँ इनको सुविधा प्रदान कर सकेंगे। समाज के जागरूक नागरिक हैं जो समाज के प्रति कुछ करना चाहते हैं, उन सबसे मेरी अपील है, हार्दिक अपील है कि इस संस्था का तहे दिल से सपोर्ट करें और इन बच्चों का भविष्य संवारने में, सुधारने में हमारी मदद करें।